इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। नाउ इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12th का सिलेबस, चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स, क्वेश्चन पेपर पैटर्न और लास्ट में मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सिलेबस देखोगे तो 10 चैप्टर्स हैं, एक्चुअली 11 हैं, क्योंकि इन्होंने डिमांड और इलास्टिसिटी को एक ही ए और बी भाग में बांटा है। सो मेरे हिसाब से दोनों अलग है। सो 10+1=11, लेकिन वी विल लीव इट लाइक दिस। ऐसे 10 चैप्टर्स हैं। नाउ हर एक चैप्टर का, आप लोग गोवा ट्रिप में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कब जाओगे, कितना कॉस्ट लगेगा, कहाँ रुकोगे। तो पहले तो तैयारी पता होना चाहिए ना, हर एक चैप्टर के कितने मार्क्स है। तो ये 10 चैप्टर्स का, हर एक चैप्टर का ये मार्क्स दिया हुआ इधर, ये 7 और 10, ये कंपल्सरी में आएगा, ये ऑप्शन के साथ आएगा। देखोगे तो चैप्टर 3A 3B लगभग हाईएस्ट में है और नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस हाईएस्ट में है। एक जमाने में यूटिलिटी टॉप में था, टॉप में मतलब काफी मार्क्स होता था, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा उसको कम वेटेज दिया क्योंकि चैप्टर्स बढ़ गए हैं। सो पहला चैप्टर 7 और 10 छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन जो पहला चैप्टर है वो जो पिछला सिलेबस था उसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग चैप्टर था। सो उन्होंने दो चैप्टर को मर्ज करके एक कर दिया, समझ में आया। फिर यूटिलिटी एनालिसिस 7 मार्क विद 10, डिमांड एनालिसिस इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आने का चांस रहता है, और इलास्टिसिटी में एक बड़ा क्वेश्चन, दो में से एक बड़ा क्वेश्चन। 2022 में लॉ ऑफ डिमांड पूछा नहीं था जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस साल डिमांड एनालिसिस का लॉ ऑफ डिमांड आने का चांस बहुत ज्यादा है। फिर सप्लाई एनालिसिस 7 और 10, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कुछ बड़े क्वेश्चंस भी रहते हैं, इंडेक्स नंबर्स 8 और 11, ये सम्स है, इसमें तुम्हारे कुछ स्टैटिस्टिक्स के सम तुमको मिलेंगे। फिर नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का कुछ अंश तुम्हारा SP में भी है, और आई थिंक पब्लिक फाइनेंस का एक हाथ क्वेश्चन OC के 4 चैप्टर में भी है, तो थोड़ा स्लाइटली एक हाथ दो क्वेश्चन मैच होता है। फॉरेन ट्रेड इसके पहले कभी सिलेबस में नहीं था, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है 11th में होना चाहिए था, लेकिन ये 12th में डाल दिया, क्योंकि 11th थोड़ा इंडियन इकोनॉमी पर आधारित है। बट डजंट मैटर, इसका 4 और 6 बहुत कम पूछते हैं, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव सबके लिए रेलेवेंस ही है। सो तुम्हारा पेपर कितने मार्क्स करेगा, 80 और 116। अब ये 80 को इन लोगों ने 4 भाग में बांटा है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स है 20 मार्क्स का, दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर 12, तीसरा शॉर्ट आंसर 32, लॉन्ग आंसर 16। 4 क्वेश्चन नहीं है, 6 है। अब वो कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। ये वेटेज दिया है, इसका तो रेलेवेंस ही नहीं है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेज। जैसे मैंने बताया कि पहले दे यूज टू गिव ये 4, जैसे ट्रू और फॉल्स, वन वर्ड, मैच द पेयर्स, तो वो जो 4 थे वही 4 हर बार आता था, वही 4 हर बार आता था। बट नाउ व्हाट यूनिवर्सिटी हैज डन या बोर्ड हैज डन, ये 8 में से वो लोग अपनी मर्जी का कोई भी 4 डालेंगे और तुमको वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक एक मार्क का रहेगा, हर एक में 5 रहेगा, 5 × 4 कितना होता है, 20। तो पहला ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आएगा, 20। और एक और खासियत है, मैं बताऊंगा जब मैं मार्च 2022 का पेपर बताऊंगा, कि बाल भारती के बुक्स के एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे भी वो लोग डीप चले गए। देखा जाए ना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, लेकिन वो पहला ये सब्जेक्ट मुझे लगा
जो इमेजिनेटिव है, तुमको क्रिएटिव इमेजिनेटिव मतलब ये फेंक नहीं सकते, ये नॉलेज का एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है। तो 1+1=2, इसमें ये लोग 1 क्यों, ये सब दिमाग लगाकर क्वेश्चन डालते हैं। मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव टाइप पेपर आया था, मतलब तुम हार्डकोर 10 क्वेश्चन करके जाओगे और बोलोगे 10 में से 6 आ जाएगा तो आंसर इज नो, वो लोग 10वें में 11वें में डाल दोगे जो पहले 10 का समरी भी हो सकता है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर सेटिंग है जो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। सो 8 में से कोई भी 4 आएगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये भी थोड़ा इमेजिनेटिव और क्रिएटिव टाइप डाला है। वो लोग बोलेंगे कि मिस्टर राम वेंट टू अ फर्म, ठीक है ना, टू शॉप अ ग्रोसरी ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंसेप्ट है। तो बोलते ना कंसेप्ट के पीछे तुमको नॉलेज होना चाहिए, तुम ऐसे रट्टा नहीं मार सकते वन वर्ड कि यही आंसर देगा, तुमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश, अच्छा एक अच्छा है, any 3 out of 5 है, 6 mark का है, any 3 out of 5 है, 6 mark का है। ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में 5 में से 3 करना है, डिस्टिंग्विश 5 में से 3 करना है, और उसको कितने पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है हम बताएंगे धीरे धीरे। आंसर द फॉलोइंग, अब ये 2 mark का था, अभी मार्क्स बढ़ जाता है, 4 mark का हो जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 में से 3 है, एक अच्छा है कि 5 में से 3, लेकिन पिछले सिलेबस में 6 में से 3 था, सो इन लोगों ने क्वांटम कम कर दिया, 6 का 5 कर दिया और उसमें से 3, राइट। सो देखा जाए तो इफ आई रिमूव मैथ्स और एसपी, पेपर सबसे हार्ड तो नहीं बोल सकते बट डीप और क्रिएटिव इज इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। सो आंसर द फॉलोइंग, 5 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करो 4 mark का। स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अभी any 3 out of 5, ठीक है ना, अभी कोई भी गधा भी रहा तो any 3 out of 5 है, 12 marks का है, 4 mark का, मतलब 1 mark का एग्री और डिसएग्री और 3 mark का रीजनिंग। तुम 5 के 5 एग्री बोल दो, 1-2 तो राइट आ ही जावे, समझ में आ रहा ना, कोई एकदम गधा भी रहा तो भी 5 के 5 एग्री बोल दे, ये कुछ नहीं आ रहा है तो भी एग्जाम में 80 में से 1-2 तो मिल ही जावे। ये सबसे क्रिएटिव डाला है उन लोगों ने। स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज, मतलब कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो लोग एक चार्ट देंगे, ग्राफ देंगे, उसको आइडेंटिफाई करने में बताऊंगा। ये बहुत क्रिएटिव था, ये 4 mark का ही नहीं है, तुम इस पे फेंक ही नहीं सकते, तुमको नॉलेज चाहिए, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्चुअल नॉलेज ज्यादा मांगता है, तुम कंसेप्चुअल नॉलेज के बाद में वो फिगर टेबल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सॉरी, आंसर इन डिटेल any 2 out of 3, 8 mark का एक, पहले ये एक ही हुआ करता था अभी 2 है। सो इकोनॉमिक्स का एक और प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि 3 घंटे में तुमको पेपर कंप्लीट करना रहेगा, सो तुम्हारा टाइम फ्रेम टाइट रहेगा, थोड़ा सा तुमको लिखना पड़ेगा फास्ट। सो 2 बड़े क्वेश्चन, चैप्टर नंबर जो डिमांड एनालिसिस है 3A और 3B, इलास्टिसिटी में से बड़ा क्वेश्चन आया नहीं था, तो मेरे लिए भी शॉकर था, वो हर साल पूछते हैं, तो इस साल 2023 में डिमांड और इलास्टिसिटी में लॉ ऑफ डिमांड या तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एक क्वेश्चन तो फंसना चाहिए इस बार, ठीक है ना। अब हम देखते हैं मार्च 2022 का पेपर, जो फर्स्ट पेपर है आफ्टर द कोविड, कोविड के पहले के सिलेबस में एग्जाम ही कैंसिल हो गए थे ना, सो सिलेबस नया है अभी। ये देखो, कंप्लीट द कोरिलेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स डैश मैक्रो इकोनॉमिक्स डैश माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी, फिल इन द ब्लैंक का अलग रूप है ये, मतलब तुमको ये पता है प्राइस थ्योरी तो तुमको ये बॉक्स में पता होना चाहिए कि इनकम थ्योरी आए, मतलब ये नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज का एप्लीकेशन बेस्ड है। गिव इकोनॉमिक टर्म्स नाउ एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड प्राइस बीइंग कांस्टेंट, ये भी अटेम्प्ट हो सकता है, ये भी थोड़ा बोलते ना वन वर्ड की तरह है, इकोनॉमिक टर्म्स की तरह है, मतलब तुमसे स्टार्टिंग से ही वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुमको इकोनॉमिक्स के टर्म्स पता हो, ठीक है ना। सी एमसीक्यूज है, सॉरी 4 में से 1 तुमको लिखना है, सो ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर था। और एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, इसमें अगेन बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, एसर्शन जो उनका वाक्य रहता है
उसके जो कारण है तुमको सही या गलत बताना है कि दोनों सही है दोनों गलत है, क्या बी आर ए का सही कारण है, ये तुमको बताना है। ये अपन देखेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सो ये भी इन लोगों ने क्रिएटिव डाल दिया था, इस पे भी तुमको नॉलेज के बिना तुम फेंक ही नहीं सकते, करेक्ट। वापिस से आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। आशा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कौन से चैप्टर से, ये चैप्टर नंबर 1 से, फिर उसमें कौन सा कंसेप्चुअल लागू होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड लंपिंग मेथड क्या है, कहां पे है। रमेश डिमांड फॉर सॉल्ट रिमेन्ड अनचेंज इन स्पाइट ऑफ अ 10% राइज प्राइस। तुमको पता होना चाहिए कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, मीनिंग क्वांटिटी का असर नहीं होता प्राइस के बदलने से, मतलब तुमको रट्टा मार के होगा ही नहीं ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये पूरा आउट ऑफ 4000 केजीज ऑफ राइस द फर्म ऑफर्ड फॉर सेल, मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि ये हर एक चीज में उन लोगों ने तुमसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्सपेक्ट किया है। मतलब इसका कुछ लोग रट्टा मारते ना तोते की तरह, मेमोराइज से इकोनॉमिक्स का ये पेपर तुम्हारा अटेम्प्ट ही नहीं होगा, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा आशा कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन। सो तुमको इंफॉर्मेशन प्रॉपर पता होना चाहिए या कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसको तुम इधर प्रेजेंट कर सको और एक्सप्लेन भी करने बोला है। तुमको जो कंसेप्ट पता चला और फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ही पता चल जाता है कि पेपर क्रिएटिव है। आज तक इकोनॉमिक्स में ये क्रिएटिव और इतना दिमाग वाला पेपर कभी उन्होंने सेट नहीं किया। इसमें बोलते ना एडुकेशन इज थिंकिंग, ये थिंकिंग पेपर है, ठीक है ना, मेमोराइज पेपर नहीं है। तुम रट्टा मार के गए तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि 4000 किलो राइस ऑफर किया 1000 किलो मार्केट में आया तो उसका कंसेप्ट क्या है। तुम मेमोराइज ये तो बाल भारती में भी नहीं मिलेगा तुमको, तो तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगा। डिस्टिंग्विश भी इन लोगों ने हैवी डाला था, स्लाइसिंग लंपिंग मेथड ज्वाइंट और कॉम्पिटेटिव, मतलब ये पांचों के पांचों ऐसे थे जो रेगुलर बेसिस पे नहीं आते। सो कोविड के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा इजी होगा, डिमांड और सप्लाई एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन, इधर तो कुछ भी नहीं डाला, ऐसा डाल दिया कि बहुत सारे बच्चे तो बैठ ही गए होंगे। सो ये भी इन लोगों ने इजी नहीं डाला है, मतलब बोलते ना क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन वैसा किया है उन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 ये रट्टे मारने वाले जो इधर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि फीचर स्कोप ऑफ माइक्रो फीचर्स ऑफ मोनोपोली ये मेमोराइज जिसने किया होगा उसको क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन स्टेट विद रीजंस है, ये भी रीजनेबल था लेकिन फिर भी डेप्थ था इसमें, मतलब तुमको नॉलेज रूटीन इजी नहीं था, बोलते ना चैप्टर का जो डीपर हिस्सा है उसमें से निकाला था उन लोगों ने। और क्वेश्चन नंबर 5 पहली बार महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री में ये लोग एनालिसिस वाला कर रहे हैं। इन लोगों ने ये तुमको इन्फॉर्मेशन दिया, अब इससे GDP और NDP कंप्यूट करो। पहले तो तुमको GDP पता होना चाहिए, NDP पता होना चाहिए, GDP less depreciation is called NDP। अगेन यह इस पर आधारित है, तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना तुम ये सम डाल दिया इन लोगों ने इकोनॉमिक्स। और ये जो है ये भी आज तक महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री में ये कभी नहीं डाला। अब ये कौन सा आइडेंटिफाइबल है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, लेकिन ये ग्राफ में यूनिटरी भी थोड़ा बहुत नजदीक आता है। सो ये तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ग्राफ्स के जब तक नहीं आएगा तुम इसको फेंक भी नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है। तुमने रट्टा भी मार लिया डैश, बट वो डैश में से ये कौन सा बैठता है ये तुमको नॉलेज लगेगा। समझ रहे हो कि तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तुमको अंडरस्टैंडिंग लगेगा। मेमोराइजिंग जो लोग करते हैं वो लोग बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये रट्टे से होना ही नहीं है और ये भी रट्टे से होना ही नहीं है, ये तुमको अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट यहाँ पे करना है। लेकिन एक्चुअली फुकट के मार्क्स इफ यू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स, ठीक है, और ये कॉम्प्रिहेंशन की तरह डाल दिया। लेकिन एक अच्छा है, दे सेड एनी 2 out of 3, सो दैट वे तुमको कॉम्प्रिहेंशन का एक मिल जाता है।
क्वेश्चन नंबर छ मैंने सोचा था कि इजी आएगा, एक्चुअली ये हार्ड डाला है, क्योंकि सब लोग टीचर्स ने बोला होगा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड आया नहीं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो आया नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई वो आया नहीं, लॉ ऑफ डिमांड जो मेन बोलते हैं ना तुम, गाड़ी का सबसे मेन क्या है, इंजिन है, तो इन लोगों ने अलग ही पूछा कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन इन चेंजेस इन डिमांड। अब इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज डिक्रीज, वो सबको पता रहता है, लेकिन एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन को वेरिएशन बोलते हैं, इंक्रीज डिक्रीज को चेंजेस बोलते हैं, ये तो लोगों को पता ही नहीं। सो बहुत लोग ये इसमें गुम गए होंगे। इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स लोगों को लगा होगा सम आएगा, उसमें इन लोगों ने थेरी 8 मार्क का डाल दिया। अच्छा एक और यूनिक चीज बताता हूँ, ये कितने मार्क का, एनी टू 8। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, इंडेक्स नंबर 8, ये देखो तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है इंडेक्स नंबर्स, ये 8 मार्क, तो इन्होंने 8 मार्क का कंपलसरी और 11, सो 8 मार्क का पूरा एक सम डाल दिया। ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो लोग पूरा का पूरा सम डाल दे, ठीक है ना। सो सम मतलब थ्योरी डाल दे उसमें, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। सो इन लोगों ने क्या किया है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, मतलब जो लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा वो डाल दिया। सो तुमको ये जो सब्जेक्ट है, वैसे एसपी बोलते हैं सबसे कंपेयर टू हार्ड है, लेकिन ये पेपर जो आया था वो सबसे डीप और क्रिएटिव और इमेजिनेटिव और नॉलेज बेस्ड था। आया समझ में ये? सो इस प्रकार से मैंने इकोनॉमिक्स 12th महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न और मार्च 2022 का पेपर बताया, जो अभी तक एक ही आया है। ओके वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।